क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कॉन्सेंट्रिक सेल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और साथ में ईआर ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर इनर सेल का रेडियस आर, चार्ज क्यू है, और आउटर सेल का रेडियस 2R, चार्ज 2Q है, और किसी आर्बिट्री पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लेते हैं कि पॉइंट पी सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो जो पॉइंट पी है वो मान लेते हैं कि सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, सो भी है ओ पी इक्वल टू स्मॉल आर। तो यहाँ पर पांच केस पॉसिबल है। केस वन, केस वन में पॉइंट पी इनर सेल के अंदर में है, ठीक है। उस केस में जो स्मॉल आर है वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि पॉइंट पी इनर सेल के अंदर में मतलब इस रीजन में कहीं पर है, ठीक है। केस टू में पॉइंट पी जो है वो इनर सेल पे है, मतलब पॉइंट पी यहाँ पे कहीं है, उस केस में स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक है। नेक्स्ट केस थ्री में पॉइंट पी इनर और आउटर सेल के बीच में कहीं है, उस केस में स्मॉल आर हो जाएगा ग्रेटर देन कैपिटल आर बट लेस देन 2R, ठीक है। नेक्स्ट केस फोर में पॉइंट पी आउटर सेल पे है, मतलब पॉइंट पी यहाँ पे कहीं है, तो उस केस में स्मॉल आर हो जाएगा 2R के इक्वल, ठीक है। और लास्ट केस फाइव में पॉइंट पी कहीं बाहर है, उस केस में स्मॉल आर हो जाएगा ग्रेटर देन 2R, ठीक है। तो इस तरह पांच केस पॉसिबल है और हम हर एक केस के लिए बारी बारी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो हमें करना यह है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम दोनों सेल्स को बारी बारी से कंसिडर करेंगे और दोनों सेल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो केस वन को देखते हैं, केस वन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी। तो केस वन में जो पॉइंट पी है वो इनर सेल के अंदर में है, मतलब पॉइंट पी यहाँ पे कहीं है, तो ये जो पॉइंट है वो इनर सेल के अंदर में है, तो कन्फर्म है कि इस पॉइंट पर इनर सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। अगेन ये पॉइंट आउटर सेल के भी अंदर में है, तो इस पॉइंट पर आउटर सेल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सो दिस विल बी 0 + 0 = 0, ठीक है। मतलब अगर पॉइंट पी इनर सेल के अंदर में है उस केस में पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस टू को देखते हैं, केस टू में इक्वल हो जाएगी। तो केस टू में पॉइंट पी जो है वो इनर सेल पे है, मतलब पॉइंट पी यहाँ पे कहीं है, तो पॉइंट पी पर इनर सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर सेल। तो अगेन पॉइंट पी यहाँ पे है और पॉइंट पी अभी भी आउटर सेल के अंदर में है, तो कन्फर्म है कि पॉइंट पी पर आउटर सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो होगा, प्लस जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट केस थ्री में इक्वल हो जाएगी। तो अगेन केस थ्री में पॉइंट पी इनर और आउटर सेल के बीच में कहीं है, ठीक है, मतलब जो पॉइंट पी है वो यहाँ पे कहीं है, दिस इज पॉइंट पी फॉर केस थ्री एंड ओ पी इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। तो अगर पॉइंट पी यहाँ पे है तो इसके लिए पॉइंट पी पर इनर सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू, के इंटू चार्ज डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ओ पी, दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर सेल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर सेल। तो अगेन जो पॉइंट पी है वो अभी भी आउटर सेल के अंदर में है, तो अभी भी आउटर सेल की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा,
प्लस जीरो, दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट केस फोर को देखते हैं। तो केस फोर में पॉइंट पी जो है वो आउटर सेल पे है, पॉइंट पी यहाँ पे कहीं है। तो अगेन इस पॉइंट की इनर सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के इंटू चार्ज बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो टू आर है, सो दिस विल बी के क्यू बाई टू आर होल स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर सेल। तो पॉइंट पी जो है वो आउटर सेल पर है, तो आउटर सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के इंटू चार्ज दैट इज टू क्यू डिवाइड बाई रेडियस स्क्वायर। आउटर सेल का रेडियस है टू आर, हो जाएगा टू आर होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू थ्री के क्यू बाई फोर आर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट केस फाइव में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो केस फाइव में पॉइंट पी जो है वो दोनों सेल के बाहर है। ठीक है, पॉइंट पी यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो इनर और आउटर दोनों सेल के बाहर में है। तो पहले इनर सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा के इंटू चार्ज क्यू डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आउटर सेल की वजह से ये हो जाएगा के इंटू चार्ज दैट इज टू क्यू डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट पी जब यहाँ पर होगा तो ओ पी जो है वो स्मॉल आर है, तो दोनों केस में स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू थ्री के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ये आर एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस है, ये पॉइंट मान लेते हैं कैपिटल आर है और ये पॉइंट टू आर है। ठीक है, तो जब स्मॉल आर ज़ीरो और आर के बीच में है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो ये ग्राफ हो जाएगा, ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है। इस पॉइंट के लिए यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट केस थ्री के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर और टू कैपिटल आर के बीच में है। ठीक है, मतलब हमें इस पोर्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करते हैं कि पहले दोनों पॉइंट पर ई की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि स्मॉल आर जब कैपिटल आर होगा तो उस केस में ई की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब कन्फर्म है कि जो ग्राफ है वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगेन जब स्मॉल आर की वैल्यू होगी टू आर, ये हो जाएगा के क्यू बाई फोर आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब टू आर पर जो ग्राफ है वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यहाँ पे, सच दैट दिस पॉइंट इज के क्यू बाई फोर आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्राफ वो डिक्रीजिंग होगा ऐसे करके। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये वन बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल आर जब टू आर के इक्वल होगा तो उस केस में ई की वैल्यू है थ्री के क्यू बाई फोर आर स्क्वायर। मतलब जो पॉइंट है वो ऊपर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे कहीं हो जाएगा, थ्री के क्यू बाई 4R2। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा। ये पॉइंट ठीक है, दिस इज 4, आर इक्वल टू 2R। अगेन जब स्मॉल आर 2R से ग्रेटर होगा, उस केस के लिए जो ग्राफ है वो 3KQ/R² है। क्या करते हैं कि पहले स्मॉल आर की वैल्यू 2R पुट करके देखते हैं कि जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर हम स्मॉल आर 2R पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3KQ/4R², मतलब जो ग्राफ है वो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगेन ग्राफ 1/R² के प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ में कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे, और इन्फिनिटी पर ये आर एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, सो आवर ग्राफ इज दिस पार्ट, अगेन दिस पॉइंट, ये हमारे ग्राफ में है, ये भी हमारे ग्राफ में है, और अगेन 2R के लिए जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, और अगेन इन्फिनिटी पर ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई और ये ER ग्राफ हो गया। थैंक यू।